जब सामने होते हैं शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। लेकिन मैं आपकी इजाजत के साथ, चूंकि आपके पिताजी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इसीलिए तू बोलने की हिमाकत में करूंगी। तू न रुका है कभी, तू न थमा है कभी, तू न मुड़ा है कभी, की शपथ की शपथ की शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जब अमित जी आज भी बाबूजी श्री हरिवंश राय बच्चन का जिक्र आता है सामने, तो हम एक अलग अमित जी को देखते हैं, एक अलग बच्चन साहब को वहां पर देखते हैं। हमने एजेंडा के लिए जब सबको आमंत्रित किया था और उसमें कहा था अमिताभ बच्चन के साथ हमारा सेशन होने वाला है, तो हमने मधुशाला का जिक्र किया था। आपकी आवाज, वो अल्फाज मिलते ही एक एक अजीब सा जादू, अजीब सा तिलिस्म आता है वहां। अमित जी की सबसे पसंदीदा पंक्तियां उसमें कुछ हैं जो आप बार बार पढ़ते हो, बार बार कहते हो? कुछ पंक्तियां हमारे लिए कह रहे हैं यहाँ पर। मुझे कुछ पंक्तियां याद है, मैं सुना दूंगा। जी जी। हम तो यहाँ से, मैंने तो यहाँ रखा है कि इसमें मैं पलट पलट के बोलूं, ये वाला भी सुना दीजिए। जी। मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफे उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियाँ हैं, और जब शुरू किया तो फिर लोगों ने उनको रुकने नहीं दिया और पूरी 135 पंक्तियाँ उनको याद थी, और पूरी 135 पंक्तियाँ उन्होंने एक ही सिटिंग में उनको गा करके सुनाया था। उसके बाद काफ़ी वो प्रचलित हो गई मधुशाला, और आज भी मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज के भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि उसको सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना देता हूँ। बाबू जी तो इसे गा करके सुनाया करते थे, यहाँ तो गाने लायक मैं हूँ नहीं। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बाबूजी ने कभी मदिरा पान नहीं किया, तो बहुत से लोग आश्चर्य होते थे कि आप शराब पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिख दिया आपने, और काफी इसका विरोध भी हुआ उस जमाने में। ऐसा विरोध हुआ कि मधुशाला जो है वो जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, इसको गुमराह कर रही है। और बात होते होते ये गांधी जी तक भी पहुंच गई, महात्मा गांधी जी के साथ। तो गांधी जी ने बाबू जी को बुलाया और कहा पढ़ो क्या लिखा है तुमने। तो उन्होंने पढ़ के सुना, उन्होंने कहा इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो बच गए बाबू जी, उन्होंने कहा। लेकिन ये बात उनको कई बार आती रहती थी कि आप पीते नहीं हैं तो कैसे लिखते हैं आप। तो बाबू जी ने अपने एक संस्करण में परिशिष्ट में लिखा है उन्होंने कि अचानक उनको याद आया कि वो कायस्थों के कुल में पैदा हुए थे। कायस्थ जात होती है, पता नहीं आप में से कोई है यहाँ पर। अच्छा, तो कायस्थों के कुल में पैदा हुए जो कि पीने के लिए बहुत मशहूर थे और प्रसिद्ध थे, और पृथ्वीराज चौहान जब अंधे किए गए और शाहबुद्दीन गौरी के दरबार में उनको लाया गया अंधे होकर के, उनको शब्द वेदी बाण चलाने की जब बात हो रही थी, तो उस समय चंद बरदाई जो कि दरबार में थे उनकी एक
रोसो छपी थी, जिसमें एक छप्पे में उन्होंने बयान किया था कि अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए, अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए तो उनका व्यवहार कैसा होगा। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे मन से उन्होंने सोचा, अभी याद नहीं क्या था वो रासो, कि क्षत्रिय होए प्रधान खाए खंडव दिखरावे। क्षत्रिय को अगर आप प्रधान बनाएंगे देश का तो खाएगा और खंडव यानी तलवार दिखाएगा। साहु होए प्रधान भरे घर राज थमावे। बनिया को अगर बनाएंगे आप प्रधान तो वो अपना घर भरेगा और राज किसी और को थमा देगा। और कायत होए प्रधान हो निसी रहे पियन तो दिन भर जो है वो पीता ही रहेगा कायस। तो वहां से उन्होंने लिखा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। फिर मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने लिखा था, थोड़ी सी गंभीर है वो बातें, यम के ऊपर कि यम आएगा साकी लेकर हाथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर पाएगा सुरावी सुध ये मतवाला, ये अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। हमारे यहां जब मृत्यु होती है तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी लिखा है कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, तुलसी मेरे होठ पे मत रखिएगा प्याला रख दीजिएगा, और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, गंगा जल की जगह हाला रखिएगा, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना कहना सच्ची मधुशाला। और मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हो हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हैं, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता पर मध्य न जल हो पर हाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। हमारे जमाने में मैं 1958 की बात कर रहा हूँ, घर में ऐसा वातावरण होता था कि अब लड़का स्कूलिंग हो गई, अब स्कूल के बाद कहाँ जाना चाहिए, तो हमेशा ये रहता था कि ग्रेजुएट एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ग्रेजुएट हो जाओ यार। आजकल के नौजवान तो 5-6 साल की उम्र से बता देते हैं कि उनको क्या करना है, और यहाँ पर सब बहुत ही विख्यात और शानदार क्रिकेट के महारथी बैठे हुए हैं, इनको और कहीं ना कहीं इनके मन में आया होगा कि हम जा करके क्रिकेट खेलेंगे, और बहुत पहले से तैयारी कर ली। हमारे जमाने में ये था कि माँ बाबू जी कहते थे ग्रेजुएट हो जाओ, तो मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 3-4 साल यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके बाद जब नौकरी ढूंढने गए तो कहीं मिले नहीं, और एक तरह से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, क्या करें ग्रेजुएशन हो गया कहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम लोग साथी जन सब बैठ करके यहीं दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में बैठ करके कोसते थे, यार ग्रेजुएशन हो गया कहीं नौकरी नहीं मिली क्या किया जाए। एक दिन एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा यार ऐसा है
गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे माता पिता की है। और गलती यह है कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया यार, दिस इज द प्रॉब्लम। पैदा किया इस वजह से आज हम लोग, मुझे लगा कि ये बहुत सही बात बोल रहा है और जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने मैं गया। कभी भी उनके सामने मैंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की। मैंने कहा आज मुझे पता चल गया है कि वजह क्या है इन सब बातों की, आपने मुझे पैदा क्यों किया था। बाबूजी शांत रहे, कुछ बोले नहीं, और हम विलिंगडन क्रेसेंट में, जो कि अब उसका नाम शायद बदल गया है, मदर टेरेसा क्रेसेंट हो गया है, तीन मूर्ति के बगल में मकान था, वहाँ वो सुबह सुबह 4 बजे घूमने जाया करते थे। पीछे डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, अब तो बहुत सारी एम्बेसीज बन गई वहाँ पर, पहले जंगल बियाबान होता था वहाँ। और वो 4 बजे उठ करके वो जब जाने लगे तो वो मुझे उठाते थे पढ़ने के लिए, तो एक कागज छोड़ गए बिस्तर पर, और मैं जब उठा तो मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटी सी कविता लिख करके, जो रात को मैंने उनसे कहा था उसके उत्तर में उन्होंने ये कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि ये कविता है कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था। और मेरे पास इसके सवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना। आपने इतना सारा वक्त हमें दिया है, हमारे बीच बैठे हैं यहां पर, सब इन यादों को लेकर अपने साथ जाएंगे, लेकिन आखिर में अगर मधुशाला की चंद पंक्तियां हो जाए उसी के साथ, उसी नोट पर हम खत्म करना चाहते हैं। जितना हमने पढ़ दिया उसको काफी था। काफी तो कभी नहीं होगा। और कोई एक और कविता पढ़ देता हूं, चलिए इसमें हो। ये कविता है, जो बीत गई सो बात गई। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कैसे होगा। बाबूजी ने लिखा कि जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुगत फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं, वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई।
बहुत आभार आपका, बहुत आभार आपका, आप आए यहाँ पर।